दोस्तों आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों आप सभी को शहर पश्चिमी के सभी छोटे बड़े मंदिरों में दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको ले आए हैं मुंडेरा में पीड़ा हरण हनुमान मंदिर, जो कि देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर को सजाया गया है। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इसे हर वर्ष इसी तरह सजाते हैं। इसकी लाइट अपने आप में अनोखी है और इसके साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर अनेकानेक बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी गई हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति है, बहुत ही सुंदर सजाई गई है। और आज रात्रि में ही भगवान कृष्ण का जन्म होना है, इसलिए इसकी सजावट और भी सुंदर अभी की जाएगी। इसके साथ ही साथ इसके बगल में ही गणेश जी की मूर्ति और थोड़ी बगल में ही माँ दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित है। और सबसे सुंदर अलौकिक जो अपने आप को आकर्षित करती, इस मंदिर को आकर्षित करती है, हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा यहाँ पर लगी है, जो अपने आप में एक अनुपम दृश्य दिखाता है। साथ में ही वहाँ पे साईं जी की मूर्ति भी आपको देखने को मिलेगी और सामने ही पार्वती शंकर जी विराजमान हैं और उनके ठीक बगल में ही भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। तो ये मंदिर कभी भी आप आएँ दर्शन करें, बहुत ही सुंदर है मुंडेरा में। इसके बाद हम आपको ले आए हैं हर हर महादेव मंदिर। पुंगहाट पुल पर ये मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, विशाल है। अगर शहर पश्चिम की बात करें तो सबसे बड़ा मंदिर है। और आप देख सकते हैं बच्चों ने यहाँ काफ़ी मेहनत किया है, यहाँ पे झांकियाँ लगाई हैं, भगवान कृष्ण के बचपन की बाल लीलाओं को यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। तो ये हर वर्ष यहाँ पर सजाते हैं। ये बड़ा प्रांगण है, बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में भी आप आएंगे तो बड़ा ही सुकून मिलता है। मंदिर में काफ़ी व्यवस्था भी है। इसके बाद वहाँ आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की झूला में आज हमारे भगवान कृष्ण बाल गोपाल जी विराजमान हैं। आज रात में इनका जन्म होगा और इसके साथ ही साथ किस प्रकार से इन्होंने सजाया है, बच्चों को तारीफ़ करने लायक है। तो आप सभी से भी चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों का भी प्रोत्साहन बढ़े। और इस वीडियो को दिखाने का यही मकसद है कि आप सभी लोग जानें। दोस्तों ये अब हम आ गए हैं जयंतीपुर ठकुराल वाली गली के आगे, मेन जीटी रोड पर ही। ये भी एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, छोटी है, पर हर वर्ष ये भी सजावट के मामले में एक नंबर रहती है। ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके सजाया गया है और यहाँ पर भी बच्चों द्वारा कलाकृतियाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर बच्चों ने मेहनत किया है। देखिए बच्चों को बताया भी जा रहा है कि बच्चे भगवान कृष्ण क्या क्या करते थे बचपन में, गायों के साथ खेलना, गैया चराना, दही मक्खन चोरी करना, ग्वाल वालों के साथ खेल कूद करना। तो ऐसी बहुत, और यहाँ पर पीछे भी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर मूर्ति हैं। इस मंदिर में भी सब कंप्लीट सारे मूर्तियाँ हैं। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे थोड़ी दूर पर, जब आप जाएंगे तो सुलेम सराय बाजार जब आप क्रॉस कर जाएंगे तो थोड़ी दूर पर एक मंदिर आपको बाई साइड मिलेगा। ये भी मंदिर बहुत ही सुंदर है। अब आपको हम इसके अंदर ले चलते हैं, बहुत ही सुंदर। इसका डिज़ाइन जो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, दोनों तरफ स्टील के रॉड भी लगे हैं, पकड़ने की सुविधा भी है। मंदिर के पिलर्स भी बहुत सुंदर हैं, बगल में शनिदेव का भी मंदिर है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सजावट है। और ये देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। अभी तो पूरी व्यवस्था ही हो रही है, तो आज जन्माष्टमी की पूरी तैयारी में सब लगे, तो आज रात्रि में आप सभी लोग इन सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको घर बैठे ही सारे मंदिर के दर्शन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सभी लोग को संभव नहीं कि हर मंदिर में जा सके। तो आप लोग मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी और कैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं। यहाँ देख सकते हैं माँ दुर्गा, राधा कृष्ण, हनुमान जी सभी विराजमान हैं। इसके बाद हम आपको और भी जगह ले चलेंगे। यह देखिए आगे इस प्रतिमा को ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो इस मंदिर में यही चीज़ है, आजकल जो मूर्तियाँ आ रही बहुत ही अच्छी और HD क्वालिटी की है। तो ये देखिए भगवान कृष्ण की मूर्ति बहुत ही सुंदर है, जो अपने आप आकर्षित कर रही है। और भी बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखिए, यहाँ नीचे भी बाल गोपाल विराजमान है झूला में, राधा कृष्ण जी बैठे हुए हैं और ये लास्ट में हनुमान जी की प्रतिमा। बहुत ही सुंदर मंदिर है, जितनी तारीफ की जाए कम है। तो मैंने भी यहाँ पे एक अपनी सेल्फी ले ली थी। और मंदिर के बाहर का नज़ारा आपको मैं इस समय अब आपको ले आया हूँ धूमनगंज थाने पर। धूमनगंज थाने के जस्ट बगल में ही एक छोटी मंदिर, बहुत प्राचीन पुरानी मंदिर है। इस मंदिर की भी सजावट हर साल इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, बलून से सजा हुआ है और पूरी मंदिर में बलून लगा है, आप देख सकते हैं। साइड में ही थोड़ा बहुत झांकी का बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं बाल गोपाल की, तो सबसे बड़ी मूर्ति इसी मंदिर में स्थापित की गई है।
झूले पे विराजमान हैं। तो मैंने जो कल देखा मंदिर सबसे अच्छी थी, उसके साथ ही साथ जो बाल गोपाल जी यहाँ विराजमान हैं वो अपने आप में सबसे बड़ी मूर्ति है। लगभग 3 फीट की ये मूर्ति है जिसमें बाल गोपाल जी बैठे हैं, झूला सबसे बड़ा। तो आप अगर बाल गोपाल जी के बड़ी मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं तो धूमन जिनवाली मंदिर पर ज़रूर जाएँ और मुझे बताएँ कैसा लगा। और वहाँ पर कृष्ण भगवान की एक खड़ी मूर्ति भी है साइड में गैया चराते हुए। अब हम आपको ले चल रहे हैं मेन जो आखिरी मंदिर यहाँ पर किनारे पर है ठाकुर द्वारा, जहाँ से दत्तकंदो मेला का शुभारंभ होता है। 17 तारीख को मेला है और उसी दिन भगवान कृष्ण जी का यहाँ पे बलदाऊ जी का यहाँ पे झांकी उठाई जाती है। और आप सभी जानते हैं बहुत प्राचीन दत्तकंदो मेला यहीं मनाया जाता है, हर्षवर्ष में मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ देखिए भगवान कृष्ण जी की यहाँ पर बाल गोपाल जी को विराजमान किए, बहुत अच्छा इस मंदिर को बड़ा ही प्रयास किया जा रहा है और अच्छा मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप सभी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में ये मंदिर का जो हमने आपको दर्शन कराया वीडियो आपको कैसे लगे।